तो गाइस देखो, अभी के टाइम पे हमारे इंडिया सर्वर के अंदर गोल्ड रॉयल में फीमेल बंडल अवेलेबल है, जो कि यार अभी 11 दिन के लिए और हमारे गेम के अंदर रहेगा। बट गाइस, क्या आप लोगों को पता है 11 दिनों के बाद जो हमारे गेम के अंदर नया गोल्ड रॉयल आएगा उसमें आखिर कौन सा बंडल अवेलेबल होगा? मुझे पता है गाइस, यार अभी आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, बट आप लोग जानना जरूर चाहते होंगे कि हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट जो गोल्ड रॉयल आएगा उसमें कौन सा बंडल अवेलेबल रहेगा। तो गाइस देखो, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बस आज के वीडियो को पूरा ध्यान से देखो। आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल का कंप्लीट रिव्यू करवाऊंगा। साथ ही साथ गाइस, यार बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि अभी हमारे गेम के अंदर आने वाले हैं, तो वो कौन से इवेंट है, कब हमारे गेम के अंदर आएंगे, ये सब भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर गाइस, इतना ही नहीं, आज की वीडियो में तो हमारे गेम के अंदर आने वाले OB39 अपडेट के रिगार्डिंग भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ गाइस, यार एक तरीके से देखा जाए तो आज का वीडियो हमेशा की तरह रहने वाला है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। साथ ही साथ गाइस, वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा और बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए तो गाइस यार आज के वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो चलो गाइस यार, फिलहाल हम लोग बिना किसी फालतू टाइम को वेस्ट करे हुए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग कुछ इवेंट्स के बारे में। तो गाइस यार, फिलहाल आप लोग स्क्रीन में बनी रिंग इवेंट को ध्यान से देखो। मैं आप लोगों को बताऊं तो यार, अभी कुछ दिन पहले हमारे गेम के अंदर ये इवेंट आ रखा है। एंड यार, इस इवेंट में हम लोगों को बनी थीम के बहुत सारे आइटम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बनी थीम की MP5 की स्किन है, उसके बंडल है, उसका बैकपैक है। साथ ही साथ गाइस यार, यहाँ पर हम लोगों को बनी MP40 भी देखने को मिल रही है। बट गाइस, क्या आप लोगों को पता है, जब हमारे गेम के अंदर OB38 अपडेट आया था, तो उस टाइम पे हम लोगों को हमारे गेम की फाइल के अंदर काफी सारे बनी थीम के आइटम्स देखने को मिले थे, जिसमें से कुछ आइटम तो इस बनी रिंग इवेंट के अंदर आ चुके हैं। एंड अभी कुछ और भी आइटम्स पेंडिंग है। तो चलो गाइस यार, पहले मैं आप लोगों को उन पेंडिंग आइटम्स का रिव्यू करवा देता हूँ। तो गाइस यार, फिलहाल आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो। यहाँ पर गाइस यार, सबसे पहले तो हम लोगों को एक MP5 का स्किन देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों को बताऊं तो यार, ये वाला स्किन तो हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी बनी रिंग इवेंट में आ चुका है, इसीलिए गाइस यार इसके बाद के आइटम को हम लोग देखते हैं, जो कि है गाइस एक बहुत ही प्यारा सा लूट बॉक्स। और गाइस, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये लूट बॉक्स अभी तक हमारे गेम के अंदर नहीं आ रखा है। साथ ही साथ गाइस यार, यहाँ पर एक ग्लू वॉल भी है। एंड गाइस, अभी तक ये ग्लू वॉल भी हमारे गेम के अंदर नहीं आ रही है। फिर गाइस यार, इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को हमारा पुराना वाला बनी वॉरियर बंडल देखने को मिल रहा है। एंड अगर गाइस यार हम लोग इसकी बात करें तो ये भी हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए गाइस यार फिलहाल आप लोग यहाँ पर अवेलेबल इस ब्लैक बनी बंडल को देखो। मैं आप लोगों को बताऊं तो यार, ये ब्लैक बनी बंडल भी अभी तक हमारे गेम के अंदर नहीं आ रखा है, इसलिए गाइस यार चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि हम लोगों को ये तीनों आइटम भी अब बहुत ही जल्द हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी तो गाइस यार, अगर मैं आप लोगों को अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से बताऊं तो ये तीनों आइटम हम लोगों को हमारे गेम के अंदर लगभग गाइस यार 20 तारीख से पहले ही देखने को मिलेंगे। जी हाँ गाइस यार, क्योंकि उसके बाद 22 तारीख को हमारे गेम के अंदर OB39 अपडेट आने वाला है। एंड यार, OB39 अपडेट के बाद तो वैसे ही हमारे गेम के अंदर काफी सारे आइटम आते हैं, इसी वजह से गाइस यार चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि हम लोगों को लगभग 15 से 20 तारीख के बीच में या फिर उससे भी पहले हमारे गेम के अंदर ये बनी थीम के बचे हुए तीन आइटम देखने को मिल जाएंगे। बाकी तो गाइस यार, अगर हम लोग बात करेंगे ये तीनों आइटम हमारे गेम के अंदर आखिर किस इवेंट में आएंगे, तो देखो गाइस यार मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक इनका इवेंट तो कंफर्म नहीं हो रखा है, बट आप लोग चिंता मत करो, आने वाले टाइम पे जैसे ही मुझे इनके इवेंट के बारे में पता चलेगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। पर क्योंकि गाइस यार, फिलहाल तो इन बनी थीम के आइटम का मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था, इसीलिए गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अभी गाइस यार, जरा हम लोग बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले कुछ ओल्ड आइटम रिटर्न के बारे में। जी हाँ गाइस यार, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार हम लोगों को हमारे गेम के अंदर OB39 अपडेट के बाद काफी सारे ओल्ड आइटम भी रिटर्न पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि गाइस यार, हम लोगों को हमारे गेम के अंदर एक बहुत ही कमाल का लेजेंडरी बंडल भी रिटर्न पे देखने को मिलने वाला है, जो कि है गाइस बुइया बंडल। मुझे पता है गाइस यार, आप लोगों का जो फेवरेट लेजेंडरी बंडल है वो है कोबरा बंडल, पर गाइस मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, अभी के टाइम पे कोबरा बंडल रिटर्न के रिगार्डिंग कोई भी लीक्स नहीं आ रहा है। जो भी चांसेस है गाइस यार, वो है बुइया बंडल के रिटर्न आने के, इसीलिए गाइस यार मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। बाकी तो यार, अगर हम लोग बात करें कि बुइया बंडल हमारे गेम के अंदर कब और कौन से इवेंट में रिटर्न आएगा, तो गाइस यार आप लोग स्क्रीन में जो टोकन टावर इवेंट देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बताऊं तो यार, चांसेस है कि हम लोगों को इंडिया सर्वर के अंदर भी एग्जैक्ट सेम टू सेम यही वाला टोकन टावर इवेंट देखने को मिलेगा, जहां पर से गाइस हम लोग बुइया बंडल को ले पाएंगे। साथ ही साथ गाइस यार, अगर हम लोग कंफर्म डेट की बात करें तो गाइस देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हमारे गेम के अंदर जो ये ओल्ड आइटम रिटर्न आने वाले हैं वो OB39 अपडेट के बाद रिटर्न आएंगे, तो इसलिए गाइस यार फिलहाल इसका ऐसा कोई कंफर्म डेट निकल के नहीं आ रखा है। एंड अगर गाइस यार आप लोग इसका कंफर्म डेट जानना चाहते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे गाइस यार हमारे गेम का OB39 अपडेट आ जाएगा, तो उस अपडेट के बाद हमारे गेम की फाइल के अंदर डेफिनेटली इस बुइया बंडल के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लीक्स जरूर एड किए जाएंगे। फिर मैं उन लीक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को इसका कंफर्म डेट
भी बता दूंगा, बट फिलहाल तो यार इसका कंफर्म डेट निकल के नहीं आ रखा है, तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। जी हां गाइस, आप लोग खुद ही सोचो, अगर मैं आप लोगों को अपने मन से कोई भी डेट बता दूंगा और बोलूंगा ये कंफर्म डेट है, यार नॉर्मल सी बात है आप लोग उस डेट का इंतजार करने लगोगे। एंड गाइस यार, जब वो डेट आएगी और हमारे गेम के अंदर भैया वंडर रिटर्न ही नहीं आएगा, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इसीलिए गाइस यार, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि कौन सी चीज कंफर्म है या फिर कौन सी चीज कंफर्म नहीं है, साथ ही साथ कब कौन सी चीज कंफर्म होगी। मतलब यार पूरा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूँ, इसीलिए गाइस यार आप लोग आंख बंद करके मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी तो यार आने वाले टाइम पे भी आप लोगों को ऐसी 100% कंफर्म इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर सकते हो, जिससे कि गाइस यार आप लोग हमारे चैनल पे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करो। बाकी तो यार मुझे लगता है मैंने बातों में आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, इसीलिए गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस अभी मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट इवो गन का रिव्यू करवा देता हूँ। भाई सच में यार नेक्स्ट इवो गन अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि यार जो हमारे गेम के अंदर फ्री फायर का एडवांस सर्वर आया है वहाँ पर एक नहीं बल्कि चार चार इवो गन है। यहाँ गाइस यार एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर हम लोगों को सबसे पहले तो इवो स्कॉट 2.0 देखने को मिल रही है। 2.0 को 2.0 को एक ही बात है। एंड हाँ गाइस, अभी आप लोग जो स्क्रीन में गन देख पा रहे हो यही है इवो स्कॉट 2.0। बाकी यार मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका नाम नहीं है इवो स्कॉट 2.0, ये तो बस मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस यार इससे पहले भी हमारे गेम के अंदर मेगलाटॉन स्कॉट अवेलेबल है, जो की एक इवो स्कॉट ही है। एंड ये दूसरी इवो स्कॉट है, इसलिए मैंने इसका नाम इवो स्कॉट 2.0 रख दिया। बाकी तो गाइस यार इसके बाद आप लोग यहाँ पर इवो G18 देखो। मैं आप लोगों को बताऊं तो यार अभी के टाइम पे हमारे फ्री फायर के एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर ये इवो G18 की भी स्किन अवेलेबल है। देन गाइस यार इतना ही नहीं, फ्री फायर के एडवांस सर्वर के अंदर तो इवो AC80 की भी स्किन है, और भाई लास्ट में हम लोगों को हमारे फ्री फायर के एडवांस सर्वर में इवो M1014 की भी स्किन देखने को मिल रही है। बट गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, इवो M10 ही एक ऐसी स्किन है जिसका कंप्लीट रिव्यू अभी तक एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर एड नहीं हो रखा है, वरना तो गाइस यार हमारे फ्री फायर के एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर फर्स्ट लुक तो हर एक इवो गन का अवेलेबल है। बट गाइस यार क्या आप लोगों को पता है, जो हमारे फ्री फायर के एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर से हमारी लोडिंग स्क्रीन लॉबी का फुटेज निकल के आ रहा है, उसमें यार ये जो कैरेक्टर है इसने जो हाथ में गन पकड़ा हुआ है यही तो है हमारा इवो M1014। और भाई ये तो नॉर्मल सी बात है कि हमारी लोडिंग स्क्रीन हमारी लॉबी ऐसी होगी, तो इसका मतलब तो एक ही होता है कि हम लोगों को जो नेक्स्ट हमारे गेम के अंदर इवो गन देखने को मिलेगी वो पूरा 200% कंफर्म इवो M10 ही रहेगी। जी हां गाइस यार आप लोग खुद ही सोचो, हमारे गेम के अंदर इवो M10 आनी नहीं होगी तो गरीना फ्री फायर उसको फालतू में क्यों लॉबी में दिखाएगा, क्यों लोडिंग स्क्रीन में दिखाएगा। जी हां गाइस यार देखो, मेरे कहने का मतलब यह है कि भले ही हमारे फ्री फायर के एडवांस सर्वर की फाइल के अंदर इवो M1014 का कंप्लीट रिव्यू अवेलेबल नहीं है, बट गाइस जो हमारे गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट इवो गन है वो तो इवो M10 ही है। एंड यार वैसे हम लोग इस इवो M10 को M10 2.0 या फिर M10 2.0 भी कह सकते हैं, क्योंकि यार इससे पहले भी हमारे गेम के अंदर ऑलरेडी एक इवो M10 की स्किन अवेलेबल है। ओवरऑल तो गाइस यार फिलहाल हम लोग आज की वीडियो में ध्यान दें। तो गाइस यार देखो, मैंने अभी आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट इवो गन का तो रिव्यू करवा दिया है, रिव्यू नहीं मतलब उसका डिटेल तो दे दिया है, बट यार हम लोग इन्हीं बातों को करते करते काफी आगे आ चुके हैं, इसलिए गाइस यार अभी मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का भी रिव्यू करवा देता हूँ। तो गाइस यार सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखो, हमारे गेम के अंदर अभी के टाइम पे गोल्ड रॉयल में क्योंकि एक फीमेल बंडल अवेलेबल है, तो इसलिए गाइस यार यहाँ पर ये तो कंफर्म हो जाता है कि नेक्स्ट जो हमारे इंडिया सर्वर के अंदर गोल्ड रॉयल आएगा वो एक मेल बंडल का रहेगा। इसीलिए तो गाइस यार अभी आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो बंडल गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बताऊं तो यार हमारे इंडिया सर्वर के अंदर नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में यही वाला बंडल आने वाला है। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये बंडल, साथ ही साथ आज की वीडियो मैंने आप लोगों को जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया आप लोगों को सब कुछ पसंद आया होगा। बाकी तो यार क्योंकि फिलहाल आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था, इसलिए तो गाइस यार हम लोग आज के इस कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।